अंकुश एफ एफ नॉनस्टॉप गेमिंग हो चुका है बहुत बड़ा एक्सपोज। ग्रेजुएट गेमर एक चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। भाई ने उस बंदे को गाली तक दे दिया था और उस बंदे ने भी आयुष भाई को इसका रिप्लाई दे दिया है। जी डब्ल्यू मनीष का मंथली इनकम रिवील हो चुका है, तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो हे व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप सो आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से, देन वीडियो को एंड तक देखते रहना। भाई आप लोग मेरा वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज याद सब लोग कर लेना, 100 के भी करना है यार। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ स्टोरी के साथ। एंड मैं बात करने वाला हूँ जी डब्ल्यू मनीष के बारे में। जो स्टॉक्स को तो जानते होंगे, इनका अलग अलग लैंग्वेजेस में चैनल्स भी है, यहाँ पर सक्सेसफुल लोगों को बोला के उनका स्टोरी शेयर कराते हैं कि उनका स्टोरी सुन के लोगों को मोटिवेशन मिले। अभी जो स्टॉक्स में जी डब्ल्यू मनीष का भी एक आता है, वहाँ पर भाई ने अपना मंथली इनकम रिवील कर दिया है कि अभी आप लोग देख सकते हो। बाकी फुल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी मेरी उम्र 21 साल है, मेरे यूट्यूब पे 4.57 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और आराम से महीने का 4 से 5 लाख रुपए तो अर्न कर ही लेता हूँ यूट्यूब से, और मैं काफी लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ, काफी महंगे महंगे कार ले सकता हूँ। लेकिन मैंने अपना लाइफ देखा है कि मैं पहले कैसा लाइफ अच्छी थी, फिर बुरी हो गई काफी, फिर थोड़ा प्रॉब्लम से मैं ऊपर उठा, मतलब मैंने अप डाउन काफी ज्यादा देखे। तो मैं जितना भी अर्न करता हूँ ना उसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मॉम के लिए गोल्ड खरीद लिया, पापा के लिए कुछ और खरीद लिया, या फिर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया, ताकि ये कैसा बाद में जाके काम है। ओके, अभी बात करते हैं अंकुश एफएफ के बारे में। तो फाइनली अंकुश भाई ने एनजी गिल्ड ज्वाइन कर चुके हैं। नॉनस्टॉप भाई ने वीडियो डाली है, शायद आप लोग ने देख ही लिया होगा। वहाँ पर अंकुश भाई ने 1v4 कस्टम किया था। उसके बाद क्या होता है, उस वीडियो के नीचे काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहा था ये फेक वीडियो है, स्क्रिप्टेड कस्टम कराया है। तो कल अंकुश भाई इसका रिप्लाई देते हुए एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर भाई ने 1v5 करके दिखाया है विद हैंड कैम, और भाई ने एनजी गिल्ड ज्वाइन करने का रीजन भी बताया है। ओके, आप लोग देखिए। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई तुम्हारे ने एनजी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, उसकी वजह तुम्हें बता देता, ये वजह है कि मुझे फुल मैप खेलना था एक, पर एक अच्छी टीम चाहिए थी, तो वो दोनों चीजें वहाँ पे थी अवेलेबल, तो मैंने नॉनस्टॉप भाई से बात करी तो ज्वाइन कर ली। तो अगर आप लोग अंकुश भाई के हैंड कैम के साथ गेम प्ले देखना है तो आप लोग भाई के चैनल पर जाके देख सकते हैं। okay, अभी बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। इनमें बात करने वाला हूँ वी आर गेमर्स के बारे में। तो आयुष भाई ने आज एक वीडियो डाली है, इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर्स को उतनी वैल्यू नहीं मिलते जितने अदर्स गेमर्स को मिलते हैं। एग्जांपल में भी बताया है, जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग हुआ था बीजेएमआई वालों के साथ, वहाँ पर एक भी फ्री फायर क्रिएटर को इन्वाइट नहीं किया था। फ्री फायर कम्युनिटी में इतने बड़े बड़े क्रिएटर होने के बावजूद रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, इसका रीजन है ऑडियंस, क्योंकि आप लोग ओनली पीसी प्लेयर्स को ही सपोर्ट करा है। जो फेक स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं उनको ही अपने सपोर्ट किए, ई-स्पोर्ट्स प्लेयर को सपोर्ट नहीं करता। ओके, आप लोग देखिए। आप लोग फ्री फायर के टॉप 10 यूट्यूबर्स भी देखोगे ना, जिनके नंबर सबसे ज्यादा है, तो वो सारे के सारे पीसी प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे फ्री फायर को पीसी में खेलते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। और वहीं पे आपने जो बीजेएमआई यानी कि पबजी के 3 सबसे बड़े यूट्यूबर्स के नेम सोचे थे, जिसमें से जोनाथन स्कॉट एंड मोर्टल थे, तो ये तीनों बीजेएमआई को किस में खेलते हैं, फोन में या फिर पीसी में? सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ऑफ कोर्स बीजेएमआई के सभी टॉप क्रिएटर्स फोन प्लेयर्स हैं, इवन एमुलेटर प्लेयर्स को तो वहां पे कोई इज्जत ही नहीं देता है। लेकिन वहीं हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में 90% ऑडियंस ने पीसी प्लेयर्स को अपना अब्बा बना के रखा है। बात तो सही है। अच्छा चलो, आप ये बताओ कि अपने फ्री फायर कम्युनिटी में जो टॉप 3 फ्री फायर के यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स सबसे ज्यादा हैं, उनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो एक ई-स्पोर्ट एथलीट है, जो कि एक ई-स्पोर्ट प्लेयर है? पता नहीं, लिटरली तुम लोग सच में सोच रहे हो क्या? नहीं भाई, हमारे पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में कोई भी ऐसा बड़ा यूट्यूबर, कोई भी ऐसा बिग यूट्यूबर नहीं है जो एक ई-स्पोर्ट प्लेयर हो। क्या बात कर रहे हैं? और जो हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में सच में ई स्पोर्ट प्लेयर हैं, लाइक पहाड़ी हो गया, टीएसजी लेजेंड हो गया, वासी हो गया, इन सब के सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। शर्मानी चाहिए आप। भाई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी सपोर्ट किया करो यार, क्योंकि एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनने में दिन रात मेहनत करना पड़ता है। ओके, मैं अभी बात करने वाला हूँ मेंटोरेक्स एफएफ के बारे में। क्या अंकुश भाई एक्सपोज हो गया? तो मेंटोर भाई का आज एक वीडियो आता है, तो वहाँ पर भाई ने काफी सारी चीजों को लेकर बात की है। क्योंकि अंकुश भाई भी कर दिन करते अपने सेकंड चैनल पर, मेंटोर भाई ने दिखाया है, अभी आप लोग देख सकते हैं। इनको लगता है ये चोरी करेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंकुश फ्री फायर की। भाई एक टाइम पे ये बहुत अच्छे काम कर चुका है और बीच में कुछ कांड भी किए थे, कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी, लेकिन वो सारी चीजें शॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन अभी भाई ने चोरों के साथ हाथ मिला लिया है, मतलब एनजी छतरी, मतलब चैनल पे फेक लाइव स्ट्रीम करवाई जा रही है, चैनल को 100K तक पहुंचा दिया और लाइव पूरी करते ही लाइव स्ट्रीम डिलीट। प्रूफ देखना है? रुको अभी दिखाता हूँ। अब देखो, अपन आ चुके प्लेबोर्ड की साइट पे। तुम लोगों को तो पता ही होगा एनजी छतरी का भी पोल खोला था इसी साइट से। अरे ये क्या, रोज लाइव हो रही है लेकिन लाइव डिलीट, ये क्या चल रहा है भाई? भाई चैनल पे कार्डिंग भी चल रही है। अरे अंकुश भाई, तुमने तो यार चोरों के साथ हाथ मिलाया तो चोरी भी करने लग गया तुम तो। नहीं मतलब व्यूज लाइक झट बराबर और सुपर चैट
सेट देखो 19,000 के, 11,000 के, 7,000 के, मतलब मजाक है क्या? नहीं मतलब अगर तुमको तुम्हारे सब्सक्राइबर ने सुपर चैट दिया ही है तो भाई सुपर चैट वाली लाइव स्ट्रीम को प्राइवेट क्यों कर दिया? अब देखो चैनल को जल्दी जल्दी 100K तक पहुँचाने का तुमको राज बताता हूँ। इन चोरों का दलाल छतरी, इसके बारे में तो तुमको पता ही होगा, रिसेंटली इसका चैनल डिमोनेटाइज था, लेकिन भाई ने पीछे से सपोर्ट लेकर अपने चैनल को 100K करवा लिया, रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम प्ले कर करके 1,30,000 सब्सक्राइबर कर लिए, चैनल वापस मोनेटाइज कर लिया। अब इसके पीछे का तुमको कारण बताता हूँ। ये जो छोटे चैनल्स पर कार्डिंग होती है वो यूट्यूब इजीली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर चैनल 100K प्लस का हो, वेरीफाइड चैनल हो, तो उस पर कार्डिंग इजीली पकड़ी नहीं जाती। दैट्स व्हाई इन लोगों को इतनी जल्दी पड़ी है कि भाई रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम प्ले कर करके 100K कर रहे हैं, ताकि वापस से इंटरनेशनल चोरी कर सके और पकड़े भी ना। और भाई ने नॉनस्टॉप भाई के बारे में भी बात की है, आप लोग खत्री भाई का सीन तो पता ही होगा, उनका भी कार्डिंग करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद भी नॉनस्टॉप भाई खत्री भाई को सपोर्ट करते हैं और प्री रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम करवा के 100K सब्सक्राइबर्स भी करा दिया, ताकि कर्डिंग कर सके और पकड़ा भी ना जाए। और आप लोगों को तो पता ही होगा शिवा भाई ने दो वीडियो पर कॉल रिकॉर्डिंग दिखाया था, एनजी एलिवेटर भाई ने एक बच्चे से 10,000 रुपए का स्कैम किया था। इसके बाद भी नॉनस्टॉप भाई ने एनजी एलिवेटर को अपनी गिल से किक नहीं किया। इस बेचारे का घर तो हमेशा चोरों से चलता है, पता नहीं कितने चोर पाल रखे अपनी गिल्ड में, कितने कार्डर पाल रखे अपनी गिल्ड में, पता होते हुए भी नहीं निकालता। फंडिंग जो आ रही है, घर जो चल रहा है उस चोरी के पैसे से। अब देखो ये मैं सच बात बता रहा हूँ, जो सत्य बात है वो मुंह पे बोलूंगा, और अभी तो तुम्हारे कुछ काले राज और खोलूंगा। टेंशन मत लो, विदाउट प्रूफ मैंने आज तक बात नहीं करी और ना ही आगे करूंगा। वीडियो लाऊंगा तो सीधे प्रूफ के साथ ही लाऊंगा, और मुझे पता है तुम इग्नोर ही कर सकते हो, इग्नोर के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि रिप्लाई देने का तुम्हारा। अब इन लोगों को इतनी गालियां क्यों दे रहा हूं, इसका भी एक रीजन है। कुछ टाइम पहले शिवा ने एक वीडियो डाली थी, एक नहीं दो वीडियो डाली थी, कि एनजी एलिवेटर ने एक बच्चे के साथ स्कैम किया है, वो भी 10,000 रुपए का, वो भी वीडियो में सारे प्रूफ दिखाए थे, देन उसके बाद भी आज भी वो बंदा गिल्ड में बैठा हुआ है। इससे सीधे सीधे एक ही बात इंडिकेट होती है कि हमारा नॉनस्टॉप हमेशा चोरों को प्रमोट करता है, चोरों का साथ देता है, क्योंकि भाई घर ही चोरी के पैसे से चलाता है ये। इसका एक और रीजन दे देता हूँ, खत्री की कार्डिंग पकड़ी गई, उसको 6 महीने का बैन मिला, लेकिन उसके बाद भी उसको स्ट्रीम पे खिला के उसका चैनल बूस्ट किया गया, देन उसके बाद रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम प्ले करवा के 100K सब्सक्राइबर पूरे करवाए गए। क्यों? क्योंकि उस चैनल पर वापस कार्डिंग की जाए, एंड इस बार वो कार्डिंग डिटेक्ट भी ना हो, क्योंकि अगर चैनल वेरीफाइड हो गया तो कार्डिंग इजीली डिटेक्ट नहीं होगी, और यही रीजन है अंकुश के सेकंड चैनल को भी वेरीफाइड करवाया गया। इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट में बता देना। और क्या अभी नेक्स्ट स्टोरी होने वाले असैसिन्स आर्मी के बारे में, तो अनफिल्टर्ड रियलिटी चैनल पर भयन भाई के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ था, तो भाई ने वहाँ पर बताया कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को घर पे आने से मना क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो आप लोग नयन भाई के मुँह से खुद सुन लीजिए। इसका भी फुल वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेन रीजन क्या घर पे ना बुलाने का? क्योंकि एक पर्सनल स्पेस भी होता है हर एक चीज का, क्योंकि अगर पर्सनल स्पेस, क्योंकि मेरा अभी एड्रेस तो पूरा लीक हो चुका है। अभी एक बंद आप आ गए सपोज, ठीक है एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है अभी आप फैन हो, फिर आपने सपोज विराट कोहली को मिला, आपको पता है विराट कोहली का घर का है, आप दूसरे आपके दोस्तों को लेके आओगे, हाँ फिर तीसरे दिन बाद वो उसके दोस्तों को लेके आएंगे, वो उसके चौथे दिन बाद वो उसके दोस्तों को, फिर वो थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा हो जाता है कि 1 मिनट बाद 5 मिनट बाद मिल लो, फिर कभी वीडियो बना रहा हो लाइव कर रहा हो फिर वापस आ गए। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई हाँ अपन लोग महीने में सिटी में मीटअप कर लेंगे, एक तरह से वो नहीं देखते कि फैमिली भी आपकी रहती। हाँ तो वीडियो नहीं बनाते ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, और ऊपर से ना दिक्कत वाली बात मेरे को तो ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी पापा तो खुद मेरे को हंस हंस के बोलते अरे सब्सक्राइबर है मिल ले, मैं बोलता हूँ अरे यार चलो चलो ठीक है, मैं अपना काम छोड़ के फिर ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उनको कोई मेरे से एक्सपेक्टेशन ना हो कि नयन भाई आप प्लीज मुझे गिफ्ट कर दो कुछ, या फिर उस चीजों से मैं थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बातें उनको मना करने के लिए बुरा लगता है मुझे वो सच, क्योंकि अगर कोई आपसे कोई अगर चीज मांग रहा है तो उसको आप मना कर दो जो अपना फैन है, तो बुरा लगता है वो चीज, तो इसलिए वो चीजों से मैं डरता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वो चीज मिलने के लिए थोड़ा सा ये रहता हूँ कि भाई अरे यार मिलूंगा ये कुछ चीज मांगे। लेकिन हाँ जो सब्सक्राइबर्स आते हैं फोटो लेते हैं नयन भाई आप आपके कंटेंट्स देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मिलने के लिए, मैं मिलता भी हूँ, और जो मांगते हैं उनको भी मैं समझाता हूँ भाई ऐसा मांगना नहीं चाहिए, खुद से कुछ करो, अगर तुमको मैंने एक को दे दिया, मैं जब गिवावे करता हूँ तब देता हूँ सबको, लकी लोगों को मिलता है गिवावे, लेकिन अगर मैं तुमको एक को दूंगा क्योंकि बाकी लोग देखेंगे तुम्हारे चक्कर में और 4 लोग आएंगे, कितने हजारों लोग आएंगे, वही तो मैं सबको थोड़ी दे सकता हूँ। तो पूरा 1 घंटे की वीडियो है, तो फुल वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके मैं अभी बात करने वाला हूँ अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो उस दिन आयुष भाई एक चीज को लेकर लाइफ में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा वो बीडी सर्वर में बीआर रीजन पे टॉप नंबर 1 पे है। उस दिन वो लाइव करके पुश कर रहा था, तब उनके ही गिल्ड प्लेयर मैच मेकिंग करके लास्ट में आयुष भाई के स्क्वाड को वाइप आउट कर देता है। उसके बाद हो जाते हैं आयुष भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा, भाई के मुँह से गाली तक निकल गया था। ओके आप लोग देखिए उसकी बात बात करते हैं। अरे मादर नहीं लोग हैं क्या? अगर मैच में किए ना ऐसी ना तुम्हारी
ये तो अपनी गिल्ड के बंदे हैं जिनको ये भुला रहा था मैं। फैक्ट्री पे आए इस फैक्ट्री पे। पिंग वैसे ही नहीं चल रही, तुम मैच मेकिंग कर लो। ये मादर ऐसी पिंग में भी खुद की गिल्ड के होके मैच मेकिंग कर रहे हैं। क्या भरा हूँ, दोगले भरे पड़े हैं पूरी जिंदगी है। दोगलों से एक एक अरेना और दूसरे दोगले। कसम से गिल्ड से किक मारूंगा तुरंत, तुम्हारा कैसे भी लगाओ तुमको किक मारूंगा। इनको किक कर लेते हैं। प्रशांत पहले भी बार कर चुका, पता है मैच मेकिंग। प्रशांत की आईडी से कौन मार खेल रहा है। ग्रुप में बैठा है प्रशांत, तेरे तूने तो पहली बार हरकत की है। और जो बंदे मेरे को ग्रुप में आके बोल रहे थे प्रशांत है ये सब करने के पीछे, पहले भी जो कांड किया है मैंने तेरे एक बार छोड़ा था, तू भी निकलवाया। अभी बुलाया तो खेलने के लिए, वो नहीं है कि ये नहीं कर पाऊंगा, फिर सामने मैच विन करके सामने आ रहे हो वैसे पिंग में। भाई क्या बोलूं भाई, पहली बार नहीं है ठीक है भाई, मत रखे ऐसे बंदे भाई, ऐसे दोगले नहीं चाहिए भाई, कसम से नहीं चाहिए। हमारा सामने आ रहे हो, थोड़ा दीन धर्म है या नहीं तुम्हारा। और ये इसका तो तुमको याद होगा जो रेगुलर स्ट्रीम देखता है, प्रशांत का तो पहली बार नहीं है, जो भी इसकी आईडी से खेलता पता नहीं, चार पांच बंदे खेलते तो मैं पकड़ भी नहीं सकता कौन है। हमें ग्रुप में बुला रहा हूँ तो रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी उसकी आईडी से जो भी है या वो है करता रहता। अभी वो एक थोड़े दो तीन दिन पहले मैच मेकिंग कर रहा था, आया था गेम में। अबे इतने बड़े सर्वर में तुम लोगों की बार बार मैच मेकिंग होती है क्या, चूत देगा यहाँ पे। और वहाँ से रोशन गेमर भाई ने भी रिप्लाई देते हुए एक वीडियो बनाया है, ये भी आप लोग देखिए। आपका भुया मिस हो जाता है, उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप सामने वाले बंदे को गाली दे दो। आप अपने ऑडियंस को ऐसा बोलते कि भाई जो बंदे मुझे मारे हैं, जिनके स्क्वाड ने हमें मारा है, वो बंदे ना हमें स्ट्रीम देख के मारे हैं, उन लोगों ने ना स्ट्रीम में स्नाइप करके मारा है। मतलब इन यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स को क्या लगता है दोस्तों कि इनके अलावा कोई प्रो नहीं है, इनको कोई मार नहीं सकता, इनके अलावा कोई भुया ले नहीं सकता। और अगर गलती से किसी स्क्वाड ने इनसे भुया छीन लिया तो भाई वही बात, इन लोगों ने मुझे स्ट्रीम देख के मारा, स्ट्रीम स्नाइप करके मारा है। और इस मैच में ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने इन्हें भुया नहीं करने दिया, हम लोगों ने भुया किया, इन लोगों को भुया करने नहीं दिया, इन लोगों को मारा भी। और इस भाई ने क्या किया, हमारे दो दो टीममेट्स को गाली देना शुरू कर दिया, जीरोन को और प्रशांत भाई को। देखो दोस्तों एक बात मैं खुलेआम बोल देता हूँ भाई, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, क्योंकि मैंने जो किया है वो बोल दूंगा। हम लोगों ने मैच मेकिंग किया है इसमें नो डाउट, क्योंकि मैच मेकिंग करना कोई गलत नहीं है। मान लो आपके मैच में कोई आया तो आप उसे मारो ना, आप स्ट्रीमर हो भाई, आप प्रो प्लेयर हो ना, तो आप मारो सामने वाले बंदों को। देखो गलती तब है जब आप सामने वाले बंदों को या स्ट्रीमर किसी भी स्ट्रीमर से मैच मेकिंग करते हो और आप उसे स्ट्रीम देखकर मारते हो, स्ट्रीम स्नाइप करके मारते हो। सात्विक को जानते होंगे आप लोग, मैं उसके बारे में उतना ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस समझ जाओ आप लोग। और अगर आप लोग को फिर भी लगता है कि हम लोगों ने इन्हें स्ट्रीम देख के मारा, स्ट्रीम स्नाइप करके मारा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, मैंने एक भी पार्ट इस वीडियो को कट नहीं किया, छोटे छोटे पार्ट को मैंने रखा इसलिए ताकि आप लोग देखो सच्चाई को जानो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, बहुत लोग बोले कि भाई आयुष भाई का पिंग बहुत ज्यादा हाई था, इस वजह से सही से खेल नहीं पा रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, सबका पिंग हाई था, मेरा भी, मेरे टीममेट्स का, लॉबी ग्लिच वाली थी तो हाँ सबका पिंग हाई था। कंटेंट की बात रही तो भाई हाँ कंटेंट के लिए ही काम किए, लेकिन मेरा वैसा कोई वसूल नहीं है कि मैं किसी को स्ट्रीम स्नाइप करके मारूं, स्ट्रीम देख के मारूं, मेरी ये बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, उसके लिए थैंक यू। और देखो आयुष भाई अपना दोस्त ही है, क्योंकि मैं बहुत सारे मैच खेला हूं उनके साथ, तो और वीडियो आएगी भी, क्योंकि देखो दोस्ती है भाई, अपने ही बंदे थे, अब गाली दे दिए इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन चलो कोई नहीं, एक पुराने यूट्यूबर है, मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ। देखो अगर रेस्पेक्ट नहीं करता तो हम लोग भी गाली वगैरह दे सकते थे नहीं, लेकिन हम लोगों ने नहीं, क्योंकि हम भाई अपने लोग है ना, अपने लोग अपने कम्युनिटी के बंदे हैं, तो गाली वाली ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता। आयुष भाई ने गाली दे दिया कोई नहीं होता है। अब देखो इसलिए हुआ ना गाली वाली, इसलिए वो दे दिया ना, क्योंकि देखो फ्रस्ट्रेटेड थे, आपने उन्होंने देखा होगा पिंक कितना हाई चल रहा था भाई का, मतलब ट्रिपल लाइन प्लस जाना, बंदों को मार रहा हो, डैमेज नहीं पड़ रहा है, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उस वक्त इंसान गाली दे सकता है। तो अब देखो मैं सीधे से बोल रहा हूँ, दे दिया भाई, मैं मुझे कोई एतराज नहीं है, और मेरे टीममेट्स को जिनको गाली दिया भी उन लोगों को भी कोई एतराज नहीं है। तो आप लोग जाके भाई का फुल वीडियो देख सकते हैं, भाई ने अपने साइड का पूरा गेम प्ले डाल दिया है, मैच के बीच में क्या क्या बात हो रहा था, क्या क्या नहीं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही, होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना यार। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। That was just me, time's up.